11 जुलाई 1983, हाँ जी, 10:52, इटावा, हाँ 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 देवेंद्र। सही है डिटेल? हाँ डिटेल मार पड़ेगा। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल डिटेल सही है, करेक्ट। कन्या लग्न है आपका जी, और कालसर्प योग है कुंडली के अंदर। अच्छा केतु काल और सर राहु योग, के बीच में बाकी के सातों ग्रह आ जा रहे हैं, ठीक है सर। और जो दशा चल रही है वो इस वक्त, कब हुआ एक्सीडेंट तुम्हारा? एक्सीडेंट मेरा हुआ था 3 जुलाई को दिन बुधवार सुबह 9:30 के टाइम पर। केतु की दशा खत्म हुई है, जन्म समय में थोड़ा बहुत अंतर होता है। केतु की दशा ही मान के चलते हैं कि केतु की दशा के अंदर या उसके आसपास ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक हाँ जी, हाँ जी, है? और हाथ बिल्कुल। के अंदर हाँ तुम्हारे जो रेखाएं हैं वो हाँ टेढ़ी हैं, और हाथ में पर्वत तुम्हारे बिल्कुल दबे हुए और खराब से हैं। जी, जब तुम आए थे तब भी हमने तुमको पीला पुखराज और पन्ना पहनने के लिए बोला था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है? वो तुमने 3 साल पहले ही करा लिए होते उपाय, तो ये सारी दिक्कतें नहीं होती। अरे गुरु जी, पैसे की बड़ा समस्या रही थी इसलिए मैं बता नहीं तो सकता अब हूँ। क्या हुआ? अब तो इतना नुकसान हो गया, हाँ, नुकसान ज्यादा होगा तो तो पहले आप थोड़ा सा आप बताइएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको कर तो काल लूंगा। सर्पियों की पूजा करवानी है। दूसरा, अच्छा तुम्हारी कुंडली में मार्केश में शनि बैठा है। शनि तुम्हारा तुला राशि का होकर, उच्च का होकर दूसरे घर में बैठा है। जब दूसरे घर में शनि बैठता है तो वो अचानक बहुत तगड़ा नुकसान करा देता है। अब शनि की जो दृष्टि है, हाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है? तो अगर वहां से काट कर एक तो काउंट करें, शनि से मंगल कितनी दूर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, नवम पंचम का योग बन रहा है। दो भीषण ग्रहों के बीच में नवम पंचम का योग बन रहा है, शनि और मंगल के अच्छा बीच में। मंगल राहु के साथ है, सूर्य बुध के साथ है, कुंडली में कालसर्प योग है, परेशानी का कारण यही है। दूसरा, तुम्हारी शुक्र की दशा लग गई है और शुक्र जन्म कुंडली के 12वें घर में बैठा है। 12वां घर होता है वो नुकसान का। तो सबसे पहले अपनी कालसर्पियों की शांति वगैरह करा लो, पीला पुखराज पन्ना धारण कर लो, शनि राहु केतु और शुक्र का शांति पाठ करा लो। वरना जो लाखों रुपए हॉस्पिटल में गए हैं और जो कमर टूटी है, ये दोनों पैरों में रॉड पड़ी है, ये ऐसे बहुत एक्सीडेंट मेरे बताए समय पर हो चुके हैं। चलो ये मैं करवाता हूँ। अच्छा, जिस कल सब योग का, जैसे मैं तो अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा तो ये हो जाएगा वैसे? कालसर्प योग की पूजा यहीं बैठे बैठे हम करवा देंगे, नासिक में करवा देंगे, और लखनऊ में करवाना अच्छा चाहोगे तो लखनऊ में करवा देंगे। लखनऊ की पूजा का खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा, अच्छा अच्छा नासिक की पूजा का खर्चा 2.5 से 3 हजार होता है, लेकिन वहां जाना पड़ता है। अच्छा